जी स्टूडेंट्स, हम इनको प्लस करेंगे, ये तीनों ही मिक्स नंबर हैं, तो पहले हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, प्लस कर 1 करेंगे तो 6, 6 बाय 5 प्लस। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20 प्लस 7, 27 बाय 10 प्लस। 15 वन सर 15, 15 को 15 में 5 प्लस करेंगे तो 20, 20 बाय 15 जी। अब हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम ये 5 और ये 10 और ये 15 इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 30। क्या एलसीएम आएगा? 30। अब सारे डिनोमिनेटर हम 30 बनाएंगे। 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 30 आएगा 2 से, तो ऊपर वाला नंबर भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 27 को भी 3 से, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो ये भी 6 से हो जाएगा। अब इनके हम आंसर लिखेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 बाय 30 प्लस। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, 81 बाय 10, 3 ज़ार 30 प्लस। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, 40 बाय 15, 2 ज़ार 30 जी। अब ये तीनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम डिनोमिनेटर सेम कॉमन लिखेंगे 30, और ऊपर वाले नंबर प्लस का देंगे। 36 प्लस 81 प्लस 40, और इनका आंसर क्या आएगा? 30 ऐसे नीचे आ जाएगा, और इनको प्लस करेंगे तो आएगा 157 आंसर, 157 बाई 30। अब इसको हम मिक्स नंबर में लिखेंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर से, तो इसको मिक्स में आएगा 5 होल 7 बाई 30। ये अब हम इनको प्लस करेंगे, ये भी मिक्स नंबर है, इनको भी पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 14 में 1 प्लस करेंगे तो 15, 15 बाय 7 प्लस। अब ये 3 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 42 में 3 ऐड करेंगे तो 45, 45 बाय 14 प्लस। अब 35 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 140 प्लस 2 करेंगे तो 142 बन जाएगा, तो नीचे क्या आएगा? 35। जब हम इनके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लाइक फ्रैक्शन इनको बनाएंगे, ये 7 और 14 और 35 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 70, एलसीएम 17 का आएगा। अब हम 70 डिनोमिनेटर बनाएंगे, 35 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 70 बन जाएगा, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। 14 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे। अब 7 को मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 70 बनेगा, इसको भी हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। अब हम इनके नीचे आंसर लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर सेम हो गए सारे, तीनों ही डिनोमिनेटर 70 आ गए। अब हम डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे 70, और ऊपर वाले नंबर प्लस का देंगे 150 प्लस 225 प्लस 284 जी। अब इनको प्लस किया तो ये आंसर आ गया 659 बाय 70। अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड नंबर में लिखेंगे। तो पहले हम 70 को डिवाइड कर लेंगे 659 पे, तो 7 9 63 होता है, तो ये 07 आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 29 आ जाएगा। अब ये वाला होल होता है, इसको हम होल लिखेंगे 9 होल, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर हम ऊपर लिख देंगे 29 बाय ये 70 नीचे ही आ जाएगा ऐसे। ये आंसर है हाफिज़।